हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल थॉट डिफ्यूज़न। आज हम आईफोन XR का डिस्प्ले चेंज करने वाले हैं। तो आप देख रहे हो, ये जो फ़ोन है इसका डिस्प्ले टूटा हुआ है, शायद आप देख पा रहे हो, इट्स कम्प्लीटली ब्रोकन। ओके, एंड यू कैन सी, ऐसे भी देख सकते हो डिस्प्ले टूट चुका है। तो डिस्प्ले हम बदलने वाले हैं, मैंने नया डिस्प्ले मंगाया है। तो ये वाला डिस्प्ले अमेजोन से मंगाया है, ओपन करते हैं। ओके, तो इसमें एक अधेजिव है जो वाटरप्रूफिंग करता है। सो डिस्प्ले चेंज करने के बाद हम वाटरप्रूफिंग करेंगे, मतलब अधेजिव से पेस्ट करेंगे स्क्रीन को, सो वाटर यहाँ से जाएगा नहीं, तो वाटरप्रूफ मोबाइल रहेगा। नॉट आई एम नॉट यूजिंग एनी, मैं ऐसा कुछ गम वगैरह कुछ यूज़ नहीं करने वाला हूँ। एंड दिस, ये वाला डिस्प्ले, नया वाला डिस्प्ले, यहाँ पे फेस आईडी डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड चलो देखते हैं, पहले आईफोन XR को ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो पतले वाले नट बोल्ट्स होते हैं, उसको निकालना है। और उसका स्क्रू ड्राइवर है ये, सो मैं पूरे स्क्रू ड्राइवर इसमें कलेक्ट करूँगा, सो कोई स्क्रू ड्राइवर इसमें से घूम ना हो। लेट्स ओपन फर्स्ट स्क्रू ड्राइवर। मुझे लगता है ये आईफोन का डिस्प्ले पहले कभी चेंज नहीं हुआ है। मोबाइल पुराना बट डिस्प्ले इसका कभी चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि इसके नट बोल्ट निकालने से ही मुझे पता चल रहा है हार्ड है थोड़ा। अभी इसको निकालने से पहले हम इसको हीट करेंगे, दैट इज़ वन ऑप्शन। दूसरा है, इधर एक एडहेसिव रिमूवर, एक लिक्विड है, वो हम लगाएंगे। तो मैं बेटर ऑप्शन समझता हूँ, मैं हीट भी कर सकता हूँ ऐसे और लिक्विड भी लगाता हूँ। तो पहले मैं लिक्विड लगाऊँगा, एडहेसिव रिमूवर, एंड देन हीट भी करूँगा, तो जल्दी से निकल आए। तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड को मैं लिक्विड एडहेसिव को लूज करने का काम करता है। मुश्किल है थोड़ा निकलना। ओके, डिप इन करूँगा लिक्विड में, कुछ ज़्यादा लिक्विड लेने की ज़रूरत नहीं है। बिना लिक्विड का भी तुम कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा नया मशीन है स्क्रीन पिकअप करने का, वो भी मेरे पास है। ये एक मशीन है जो स्क्रीन डिस्प्ले पिक करने का, उठाने का एक सिस्टम है, आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। इसका हम आज उपयोग करेंगे स्क्रीन उठाने के लिए। स्क्रीन उठाने से पहले मैं थोड़ा सा हीट करूँगा, हीट करने के बाद शायद डिस्प्ले बहुत जल्दी निकल आए। तो मेरे पास हीटर है, ये हीटर,
स्क्रीन शायद लग गया है, इसको हम उठाएंगे। अभी तक तो स्क्रीन निकला नहीं, थोड़ा सा हीट करते हैं। शायद इधर से स्क्रीन पिक हो गया। थोड़ा लिक्विड लगाते हैं हम। तो देख रहा है थोड़ा सा स्क्रीन लिफ्ट हो गया है। देखो स्क्रीन लिफ्ट हो गया। ओके तो हम लोग थोड़ा इस साइड का थोड़ा लिफ्टिंग, बाकी बट कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल जाएगा। वन साइड इज कंप्लीटली ऑन। अभी हम इसको हीट करके निकालेंगे। इसमें हम कुछ रख देते हैं। तो इसका काम लगभग ख़त्म हो गया है। इसको मोबाइल को निकालेंगे, इस डिवाइस को साइड में कर देंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे केबल टूट सकती है, तो मैं थोड़ा सा हीट करूँगा।
दो इसको डिस्प्ले को डायरेक्ट खींचना नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले को धीरे धीरे ओपन करना ऑल आर केबल्स. ओके, इफ यू डू दिस पोलाइटली यू वॉन्ट बी एबल टू ब्रेक द केबल, इफ यू डू इट हार्शली यू विल जस्ट ब्रेक द केबल. सो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट केबल कौन सी है? फेस आईडी की. ये नहीं टूटनी चाहिए, ये टूट गई चलेगा, डिस्प्ले हम चेंज कर सकते हैं. पहले डिस्प्ले चेक करते हैं. तो ये है नया डिस्प्ले, इसमें ये फेस आईडी आना चाहिए यहाँ पे, तो उसको भी मुझे फिट करना है एंड देन आई विल चेक दिस केबल. सो ये ऐसा लग रहा है कि इस फ़ोन को कभी खोला नहीं गया है, क्योंकि एवरीथिंग इज फिट. लेट्स ओपन दिस फोन. ये तो नहीं चलेगा. सबसे पहले हम लोग फेस आईडी को निकाल लेते हैं. ये हम जिस तरह सारे नट बोल्ट निकालेंगे उसी तरह दोबारा फिर से फिट करना है. और हर नट बोल्ट की साइज थोड़ी इधर उधर है. लास्ट नट बोल्ट बचा है, शायद उसको निकालने के लिए मुझे ये सबसे बड़ा नट बोल्ट है. इसमें तीन सिमिलर है, एक बड़ा है. तो बड़े वाले को हम इधर रखेंगे. अब ये इसका सर्किट, सबसे पहले मैं फोन को स्विच ऑफ करूंगा. फिर डैमेज नहीं कर पाया एंड काफी डेलिकेटली तो मैं उठाना है फेस आईडी. ओके, फेस आईडी निकल गया, फेस आईडी की केबल निकल गई. देन तो मैं ये वाले डिस्प्ले के नट बोल्ट निकालने हैं. ध्यान में रखना है कि कौन से केबल कहाँ पे जाएंगे, कौन से नट बोल्ट कहाँ पे. इसके सिर्फ दो नट बोल्ट हैं, मैं इससे ऊपर का स्ट्रिप निकाल लूँ एंड ये हो गया अपना काम. इधर से डिस्प्ले की केबल निकल गई. दोबारा डिस्प्ले की केबल में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ. डिस्प्ले की केबल निकल गई. फोर्स कोई भी चीज़ को करना नहीं है. सो ये आ गया ओरिजिनल डिस्प्ले. ये मैं बॉडी इधर रखता हूँ. अब हम चेक करने से पहले डिस्प्ले ऑन है या नहीं वो चेक कर लेते हैं. ओके, नया वाला डिस्प्ले शायद मुझे निकालना पड़ेगा. ये प्लास्टिक
नो, शायद ये मुझे निकालना पड़ेगा। यस, ये मैं निकालूंगा बाद में। हम सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं कि ये नया वाला डिस्प्ले वर्क करता है या नहीं। तुम्हारा केबल डेलिकेटली दोबारा उसी पोजीशन पे लगाओ। फेस आईडी की ज़रूरत है नहीं है। वो कोई भी केबल को फोर्स नहीं करना है, नहीं तो तुम ब्रेक कर दोगे। ये बहुत डेलिकेट होता है। अभी दोनों केबल लग गई है। अब हम लोग पंखों स्टार्ट करेंगे। नया डिस्प्ले चालू हो गया है। तो नया डिस्प्ले चालू होने के बाद भी हमें टचेस चेक करना है कि आफ्टर मार्केट डिस्प्लेस आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सो आई जस्ट ओपन द फोन, अनलॉक द फोन एंड देन सो फेस टाइम इज वर्किंग, कैलेंडर वर्किंग, वर्किंग, कैमरा वर्किंग। वर्किंग, यस वर्किंग। सो एवरी कॉर्नर इज वर्किंग बेसिकली। So everything is working. स्विच ऑफ करते हैं। इसका फेस आईडी हम होल्ड डिस्प्ले से निकाल के इस वाले डिस्प्ले में डालेंगे। तो ये बहुत डेलिकेट पार्ट है, तो इसको संभाल के करना होगा। ये माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन है, कैमरा भी उसके साथ है एंड देन ये पूरा चिप उठा के हमें यहाँ डालना है। सो इट्स नॉट जस्ट चेंजिंग द डिस्प्ले, बट वी नीड टू टेक आउट सम हार्डवेयर फ्रॉम हियर एंड देयर। सो एक वन नोट पोर्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये वाले तीनों नट बोल्ट निकल गए। इसको तो मैं आसानी से नहीं उठा सकता, थोड़ा सा चेक करते कहीं कोई पार्ट डैमेज ना हो जाए। सो ये
मैं छोटा सा पतला वाला नट बोल्ट हो गया, इतना पतला है कि तुम देख नहीं पाओगे, तो इसको शायद ये वाला इतना पतला नट बोल्ट शायद ही कोई देख पाए, मुझे पता नहीं था, बट एक खोलते ही पता चल गया कि कुछ तो है। अभी ये सर्किट शायद उठ जाए यहाँ से, तो बहुत डेलिकेटली हमें इस पे काम करना है, ये केबल बचा के रखना है। बस माइक निकालने से देखो भाई, इस तरह से हमें सब कुछ निकालना है, इसमें फेस आईडी, कैमरा, सब कुछ है। ओल्ड डिस्प्ले से निकाल के न्यू डिस्प्ले में लगाओ, इतना आसान काम नहीं है, जो 1-2 मिनट में हो जाए। डिस्प्ले चेंज करना, उसके पहले हम लोग ये केबल ब्लू वाली लाइन निकाल लेते हैं, फिल्मिंग जिसका कोई ज़रूरत है नहीं, एंड हम उसी तरह से रखेंगे जैसे ये पहले था। सेंसर बाद में काम करना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी तरह से चला गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मुझे यहाँ पे प्लेट डालना है। पता नहीं प्लेट का फंक्शनलिटी क्या है, बट इट शुड बी एज इज। मुझे लगता है एवरीथिंग इज फाइन,
ये फेस आईडी कनेक्ट होगा, फेस आईडी कैमरा एंड सेंसर्स। देन हम सबसे पतला वाला नट बोल्ट को उठाएंगे, मेक श्योर एवरीथिंग इज राइट। अब ये पुराना डिस्प्ले का काम हो गया, इसको हम साइड में कर देंगे। गंदगी साफ कर देंगे, गंदगी। इस तरह से वाटर प्रूफिंग होती थी निकालना है। यहाँ थोड़ा चिटका नहीं है बट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम।
अब हमें डेलिकेटली चीज़ें करनी है। सबसे पहले डिस्प्ले केबल लगाता हूँ मैं। डिस्प्ले केबल लगाने के बाद हम फेस आईडी केबल लगाते हैं। बहुत सारे नट बोल्ट है इसके।
हम डिस्प्ले लगाने के पहले चेक करेंगे मोबाइल ऑन होता है या नहीं। मोबाइल ऑन हो गया है। मोबाइल ऑन हो गया। तो बाकी सारी चीज़ें तो हमने चेक की थी, टच अभी शायद सब चल रहा है, तो इसको चिटका देंगे, आप ये लगा देंगे। होपफुली कोई प्रॉब्लम ना आए। ये टू नट बोल्ट लगाएंगे, लास्ट प्रोसीजर। मोबाइल हो गया है, इसको हम थोड़ा और इसको सुबह तक वैसे 1-2 घंटे तक रख देंगे। Work is done and the phone is working, everything is working. Thanks for watching my video, and I know this process looks like very hard, but if you have some daring, thoda sa jigar bada kar lo. Mobile kharab to kharab, display kharab to kharab, but main karke dikhaunga. Ghar pe hi karo, display change kar sakte ho, battery change kar sakte ho, just you watch thode se YouTube video dekh lo, us hisab se karo and everything will be fine. Thank you.